हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। जी हाँ, इसमें हम पूरी डिटेल केस स्टडी करेंगे और जानेंगे ये ब्रांच क्यों इतना इंटरेस्टिंग है और ये किसके लिए सुटेबल है। तो पहले हम जान लेते हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है क्या। तो वो एक ब्रांच है इंजीनियरिंग का जिसमें आप फ्लाइट मशीन्स और एयरक्राफ्ट डिजाइन्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। अब इसमें आती है कि क्या क्या उसके रोल्स होते हैं। तो जो रोल्स की बात करूं तो रोल्स होता है, पहला रोल हो जाता है उसका प्लानिंग एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट, गोल्स, बजट, टाइमलाइंस एंड वर्क स्पेसिफिकेशन। सेकेंड जो रोल होता है वो है एक्सेसिंग द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल्स। थर्ड जो रोल होता है वो होता है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट। फोर्थ, ड्राफ्टिंग एंड फाइनलाइजिंग न्यू डिजाइन्स फॉर फ्लाइट मशीन पार्ट्स। फिफ्थ, चेकिंग डैमेज और मैल फंक्शनिंग एयरक्राफ्ट एंड फाइंडिंग द पॉसिबल सॉल्यूशंस। इसके अलावा और भी बहुत सारे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं एयरक्राफ्ट के। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो 10+2 में अगर आपने साइंस ले रखा है यानी कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आप JEE मेंस और एडवांस के जरिए आप IIT मद्रास और कुछ कॉलेजेस जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में 4 ईयर्स का BTEC डिग्री देते हैं उसमें आप कोर्स कर सकते हो। अगर आप BTEC के बाद करना चाहते हो तो आपको इसके लिए गेट की एग्जाम देनी पड़ेगी और उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। और अगर मैं टॉप कंपनीज की बात करूं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में है, जो रिक्रूटमेंट करती है एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की, तो टॉप में आती है आपका DRDO। जी हाँ, आप DRDO में एज अ साइंटिस्ट भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी 2 साल DRDO में एज अ JRF जॉब किया था, तो वहां पे भी रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड बात करें तो आप NAL नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी में कर सकते हैं, फिर HAL है और आपका इस तरह से और भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं। अगर आप बात हम करें प्राइवेट में, तो आप प्राइवेट सेक्टर्स में भी एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाएं, तो इसके लिए आपको, अगर आप 10+2 में पढ़ रहे हो तो आपको JEE मेंस और एडवांस के जरिए आपको जाना पड़ेगा। अगर आप अपने BTEC कर रखा है तो आपको फिर गेट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो कोर्सेज अवेलेबल मैंने पहले बता रखा है, UG डिग्री और PG डिग्री आपका MTEC होता है और BTEC होता है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।